Hello everyone, today we are going to discuss about our first lecture on how to prepare Organon of Medicine for AIPGT 2022 exam. This is presented by our team Homeopathy MCQs. So the topic is how to prepare Organon of Medicine effectively for next AIPGT 2022 exam. देखिए आप लोग जानते हैं कि Organon of Medicine बहुत important है किसी भी competitive exam के लिए. इसमें हर exam में लगभग 15-20% या 14-15% क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं Organon से. सो वी आर ट्राइंग टू एनालाइज क्वेश्चंस इन थ्री वेज. फर्स्ट इजी, सेकंड इज न्यूट्रल, थर्ड इज मॉडरेट डिफिकल्ट एंड वेरी डिफिकल्ट. सो First we come to easy, then neutral, third moderate difficult and fourth very difficult. So now we come to the easy. Easy questions वो होते हैं जो बहुत frequently पूछे भी जाते हैं और उनके answer बहुत easy होते हैं देना. जिसने भी थोड़ी बहुत भी study की होगी वो इनको आसानी से सॉल्व कर सकता है. न्यूट्रल वो होते हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आप इनको देखने को मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये सब्जेक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं, उन्हीं पे ही बनाए जाते हैं. थर्ड है मॉडरेट डिफ़िकल्ट. ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी कम पूछे गए हैं और इसके लिए अपन को थोड़ा रीडिंग और रिवीजन करना पड़ता है. इनको सॉल्व करने के लिए अपन को सब्जेक्ट की फुल नॉलेज होना चाहिए. इनको सॉल्व करने के लिए अपन को सब्जेक्ट की फुल नॉलेज होना चाहिए और केयर व्हाइल सिलेक्टिंग द आंसर फॉर मल्टीपल ऑप्शन. इनको सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ी सा ध्यान देना पड़ता है. नेक्स्ट इज वेरी डिफिकल्ट. ये वो क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल नए पूछे गए हैं और रिपीट नहीं होते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए हमें सब्जेक्ट की डेप्थ में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए हमको सोर्स बुक और रेफरेंस बुक सभी पढ़ना पड़ती हैं. आगे इसके लिए हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे कि अभी तक जितने भी AIAPGT के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से Organon से कितने सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए, तो हम इसको 2017 से स्टार्ट करते हैं. तो 2017 में इसको जूम कर लीजिएगा आप. 2017 में टेन क्वेश्चंस पूछे गए ओके
10 क्वेश्चंस 2017 में पूछे गए। अब हम 2018 की बात करते हैं। फोर्टीन क्वेश्चन पूछे गए। ओके, टू थाउजेंड नाइनटीन में एट क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, 2020 में 15 क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, 2021 अभी हुआ है, इसका फुल क्वेश्चन पेपर नहीं आया है, लेकिन हमने इसमें से निकाले हैं, तो नियर अबाउट 12 to 15 क्वेश्चंस 2021 में इसमें से पूछे गए। ओके, अभी इन जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इनमें हम क्वेश्चंस का जो लेवल है उसके आधार पर ये देखते हैं कि कितने इनमें इजी क्वेश्चंस हैं, कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं। तो इजी एंड न्यूट्रल 60 to 70% क्वेश्चंस आए हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे गए। मॉडरेट 40 to 50%, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो 20 to 30% है। ओके, ओके, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन फॉर AIA PGT 2022 एग्जाम। सो फॉर प्रिपेयरिंग ऑर्गेनॉन वी हैव टू कवर फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक हमारे BHMS सिलेबस में है, इसलिए हमको इसके सभी ईयर्स के टॉपिक्स लेने ही पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट BHMS, फॉर दिस वी हैव टू टेक इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स, देन एवोल्यूशन ऑफ मेडिसिन, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर हैनीमैन, हिज कंट्रीब्यूशन, डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी। ओके, दीज आर द वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम।
Now we come to the next point. We have to cover brief history of and contributions of pioneers of homeopathy like Monninghuysen, Boger, Kant, Haring, Rajan Lal Datta, M.L. Sarkar, etc. Then we come to the history and development of homeopathy in India, USA and European countries. हिस्ट्री पार्ट हमको कवर करना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी बनते हैं जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं सॉल्व करना, इसलिए हमको ईयर्स, उनके पब्लिकेशंस सब याद रखना ही पड़ेगा। होम्योपैथी का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। नाउ वी कम टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी। ये अक्सर पूछे जाते हैं, बेसिक हैं, सबसे बनते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें, लेकिन एक हमको अच्छे से प्रिपेयर करना ही होंगे। ओके, देन कम टू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ, डिसीज एंड क्योर। ये भी हमको पढ़ना ही है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जिसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन आते ही इस टॉपिक से। यह है डिफरेंट एडिशंस कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको हमको प्रिपेयर करना ही है एनी हाउ। इसमें से एक दो क्वेश्चन आते ही हैं और बहुत ईजी होते हैं, थोड़ी सा हमको अच्छे से याद करना होता है। इनके ईयर्स, इनके ट्रांसलेशन किसने किए हैं, ईयर्स किस किस में पब्लिश हुआ है, कितने मेडिसिन, मतलब कितने एफोरिज्म हैं, सब कुछ। फिफ्थ एडिशन एंड सिक्स्थ एडिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमको अच्छे से तैयार करना है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है इसमें, कुछ एफोरिज्म्स फिफ्थ एडिशन में थोड़ी सा डिफरेंट हो गई हैं और सिक्स्थ एडिशन में थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं, तो ज़्यादातर वही पूछी जाती हैं हमसे। नेक्स्ट है लॉजिक। इसका बेसिक कंसेप्ट अपने को याद रखना है, व्हाट इज द लॉजिक, हु इज़ द फाउंडर ऑफ लॉजिक, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसका हमको याद रखना है, ये होम्योपैथी बेस्ड अपॉन विच लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक, है ना। तो इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं, हमको थोड़ी सा इसमें कवर करना ही होगा, प्रिपेयर करना ही होगा। साइकोलॉजी, बेसिक ऑफ साइकोलॉजी स्टडी, बिहेवियर इंटेलिजेंट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेंसेशंस, इन टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन हमको थोड़ी सा पढ़ना तो पड़ेगा ही। नाउ यस, दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर होम्योपैथिक प्रोफिलैक्सिस। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से कि किस एफोरिज्म में दिया है, ये सब पूछा जाता है इसमें से। ओके, नाउ वी कम टू द सेकंड बीएचएमएस। सेकंड बीएचएमएस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है सिम्टोमेटोलॉजी, कॉजेज ऑफ डिसीज, ठीक है। इसमें है फंडामेंटल, एक्साइटिंग, मेंटेनेंस कॉजेज, ये हमको अच्छे से प्रिपेयर करना ही है। सिम्टम्स में से एक दो क्वेश्चन आते ही हैं, कॉजेज में से एक दो क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसलिए हमको अच्छे से प्रिपेयर करना ही होगा। नाउ वी कम टू द केस टेकिंग।
केस टेकिंग में हमको एनालिसिस, एवोल्यूशन ये दो अच्छे से करना है। एनालिसिस कैसे किया जाता है, एवोल्यूशन किसने किसने कैसे कैसे किया है, कौन कौन से ऑथर ने कैसे कैसे दिया है, ये हमको याद रखना है। इसमें से पूछा जाता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम की डेफिनेशंस, ये भी तैयार करना ज़रूरी नहीं है उतना, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए। ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड BHMS। थर्ड BHMS में कैंट फिलोसफी के चैप्टर्स हैं 28, 29, 30, 34 to 37। स्टार्ट क्लोज के चैप्टर हैं 7, 10, 13, 14, 15। रॉबर्ट्स के हैं चैप्टर 7, 10, 12, 19, 21, 34 और रिलेटेड टू एफोरिज्म 105 से लेके 294 एफोरिज्म तक, इसमें अपन को प्रिपेयर करना है। नाउ वी कम टू द फोर्थ BHMS। फोर्थ BHMS में भी कुछ चैप्टर्स हैं जो हमको रेफरेंसेस के तौर पे हमको तैयार करना है, स्टार्ट क्लोज के, एच ए रॉबर्ट के, जन्म के, यूजेस के, ये हमको कुछ प्रिपेयर करना है। नाउ क्रोनिक डिसीज, इसमें से क्वेश्चन निश्चित आता है। एनिमल थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज, इसमें से क्वेश्चन निश्चित आएगा, आता ही है ज़्यादातर। नाउ द क्रोनिक मायाजम, सोरा, सोडोसोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, इसमें से एक दो क्वेश्चन आते ही हैं, तो हमको मियाज्म बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसमें से निश्चित कुछ ना कुछ क्वेश्चन आना ही है, ये मान के चलो आप, इसको हमको प्रिपेयर करना ही है। ओके, अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि विच टॉपिक वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। इसके लिए हमने क्या किया है कि जो बुक है ऑर्गेनॉन की, उसमें से टॉपिक हमको सिलेक्ट करना है, कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है। ओके, इसको आप थोड़े जूम कर लेंगे। ओके, ये इंट्रोडक्शन हमको पढ़ना है। फिर ऑर्गेनॉन के एडिशंस, कितने एडिशंस हैं उनके बारे में, उसका ग्राउंड प्लान ऑर्गेनॉन का, ये भी बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड लॉजिक, ये भी हमको तैयार करना ही है। देन थर्ड पार्ट वी कम टू द थर्ड पार्ट, सम डेफिनेशंस लाइक व्हाट इज द मिशन ऑफ फिजिशियन, पैलिएशन, सप्रेशन, डिफरेंस बिटवीन सप्रेशन एंड पैलिएशन, डिफरेंस बिटवीन रिकवरी एंड क्योर,
हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, नॉलेज ऑफ फिजिशियन, डिफ्लेक्टेड करंट, ये हमको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। इनमें से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं कुछ ना कुछ। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर में तो आना ही है, ये तो मान के चलो आप। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। नाउ वी कम टू द पॉइंट लाइक एक्साइटिंग कॉज, फंडामेंटल कॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट, डायथेसिस, प्राइमा काजा मॉर्बी, अनप्रोजाइ ऑब्जर्वर, सिम्टोमेटोलॉजी, काजा ओकेनालिस, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, इंडिस्पोजिशन, ये तैयार करना ही हमें। इनमें से क्वेश्चंस अक्सर पूछे गए हैं। इंडिस्पोजिशन, वाइटल फोर्स, मटेरियल पिकन्स, मोरल रेमेडी, सिंपल सब्सटेंस, तो ये हमको तैयार करना ही है। ओके, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, वो है व्हाट इज द ड्रग, मेडिसिन एंड रेमेडी। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और इसमें क्वेश्चन बनता ही है। डेफिनेशन में लोग कंफ्यूज ज़रूर हो जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को ज़रूर प्रिपेयर कर लेना है अपने को। नाउ डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स, ये निश्चित है, एक दो क्वेश्चन आते ही हैं इसमें से, हर साल आते हैं। लाइक व्हाट इज द एलोपैथी, व्हाट इज आइसोपैथी, व्हाट इज एंटीपैथी, है ना, टोटोपैथी, इसमें से कुछ ना कुछ आता ही है, तो इसको हमें छोड़ना नहीं है। नाउ नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर, इसमें से क्वेश्चन बनते ही हैं। मोडस ऑपरेंडी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, इसमें से क्वेश्चन आता है, इसलिए हमको प्रिपेयर करना है। नाउ वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक, व्हाट हैपन व्हेन टू डिसीज मीट्स, ये कंफ्यूजिंग है, इसमें से क्वेश्चन बनता है, इसलिए हमको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके नोट्स दे देंगे हम आपको, अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसके पॉइंट बता देंगे कहाँ से कैसे, कैसी कंडीशन देते हैं तो उसमें किस तरह से हमको क्या आंसर बनता है, इसको अच्छे से समझा दिया जाएगा। देन एक्शन ऑफ मेडिसिन लाइक प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन, ठीक है, तो ये भी हमको अच्छे से प्रिपेयर करना ही है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट, इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, हैनिमेंस क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, जीनस एपिडेमिक एपिडेमिकस, इसमें से आता है क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज, इसमें सोरा के बारे में, व्हाट इज सोरा, एंटीसोरिक ट्रीटमेंट, सिफिलिस, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस, ये अच्छे से तैयार करना, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, साइकोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस, व्हाट इज ट्यूबरकुलर मायाजम, मिक्स मियाजमेटिक डिसीजेस, है ना, कंपेटिव स्टडी ऑफ मियाजम, किस मियाज में क्या क्या है, किस में एग्रीवेशन किस चीज़ से है, किस में एमोलेशन किस चीज़ से है, ये हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं।
नाउ वी कम टू द केस टेकिंग। केस टेकिंग में हमको इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोरा, हनीमैन्स डायरेक्शन अबाउट केस टेकिंग, ये अच्छे से तैयार करना है। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है एनालिसिस एंड एवोल्यूशन। इसमें हमको हनीमैन का क्या, किस तरह का एवोल्यूशन है, सिम्टम्स का, कैंट का है, बोनी हसन का है, गार्थ वोरिक का क्या है, इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। बेसिक नहीं है, थोड़ी सा इसमें समझ के आंसर देना होता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। नाउ वी कम टू द ड्रग प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग में एफोरिज्म्स पूछी जाती हैं, किस एफोरिज्म में क्या दिया गया है, एरियोसिंक्रेसी, सरोगेट्स, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग एक्शन, ये पूछा जाता है। इनमें से क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए हमको कोई छोड़ना नहीं। ओके, नाउ वी कम टू द फोर्थ पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन। इसमें हमको स्पेसिफिक रेमेडी, मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर, मंगरल सेक्ट, इंडिस्पोजिशन, इनमें से ज़्यादातर इनकी एफोरिज्म पूछी जाती है, किस में से, किस एफोरिज्म में स्पेसिफिक रेमेडी दिया है, किस में मंगरल सेक्ट दिया है, इंडिस्पोजिशन क्या है, किस एफोरिज्म में दिया है। अक्सर एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं इनमें से, इसलिए हमको छोड़ना कुछ नहीं है, ये प्रिपेयर करना ही है। नाउ वी कम टू द पार्ट 5, लाइफ हिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन। इसमें हमको दिए हैं कैंट की, बोनिंग हसन की, हेरिंग की, ह्यूज की, स्टार्ट क्लोज की, एलिन क्लार्क, विलियम बोरिक, इनकी हमको हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ के जाना। ओके, कुछ इंडियन ऑथर्स हैं जो इंडियन डॉक्टर हैं, उनके बारे में भी हमको ज़रूर पढ़ना है, जैसे हॉनिंगबर्गर, ठीक है, राजेंद्र लाल दत्ता, प्रताप चंद मजूमदार, सर एम एल सरकार, इनको हमको थोड़ी सा ज़रूर पढ़ना है। इनमें से आ जाते हैं क्वेश्चन, और इन्हीं में से ही नई क्वेश्चन बनते हैं, जिसको हमें आंसर देना थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए पढ़ के जाना है। पॉइंट टू पॉइंट हैं, इनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो उनके हम नोट्स आपको ज़रूर दे देंगे, वो पढ़ के आपको आसान होगा किस तरह से याद करना है, मेमोराइज करना है। नाउ वी कम टू द हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी इन इंडिया। बनते हैं इनमें से क्वेश्चन इस टॉपिक में से, तो ये भी अपने को अच्छे से प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। नाउ वी कम टू द सिक्स एडिशन। ये सिक्स एडिशन का बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से बहुत एफोरिज्म पूछी जाती है। सिक्स एडिशन और फिफ्थ एडिशन की एफोरिज्म अच्छे से तैयार कर लेना है अपने को। अभी तक के जितने एग्जाम हुए उनमें से सिक्स एडिशन की एफोरिज्म बहुत पूछी गई है, तो अपने को सिक्स एडिशन अच्छे से तैयार करना है, पूरा ग्राउंड प्लान, एक एक एफोरिज्म में क्या क्या दिया, एक एक फुट नोट में क्या क्या दिया है, सब अपने को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाई यील्डिंग टॉपिक फॉर रिविजन्स। इसमें से हमने कुछ टॉपिक्स लिए हैं, और भी बहुत से टॉपिक हैं, लेकिन अभी के फ़िलहाल प्राइमरी मंथ्स में हमको ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना है, जिनमें से हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर हनीमैन, ओके, डिफरेंट एडिशंस ऑफ ऑर्गेनॉन, ग्राउंड प्लान ऑफ सिक्स एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन,
फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, लॉजिक ऑफ होम्योपैथी, डेफिनेशन ऑफ क्योर, रिकवरी, सप्रेशन एंड पैलिएशन। ओके, इनके नोट्स हम आपको दे देंगे, अच्छे से प्रिपेयर किए हैं वो दे देंगे, आसान रहेगा आपको याद करने के लिए। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, कैस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ फिजिशियन, कॉजेज ऑफ डिजीज, अक्सर इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, हमको अच्छे से पढ़ना ही है। यंग कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट, डायथेसिस, इसमें से आते हैं, डेफिनेशंस में आ जाते हैं क्वेश्चन, कुछ ऐसे भी आ जाते हैं, तो ये भी हमको प्रिपेयर करना है। नाउ द वेरी इम्पोर्टेंट सिम्टोमेटोलॉजी, अच्छे से तैयार करना है, वाइटल फोर्स अच्छे से तैयार करना है, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, क्वेश्चन निश्चित आते हैं। वाइटल फोर्स का नहीं होगा तो एफ्रोजम ही आ जाएगी, किस एफ्रोजम में वाइटल फोर्स दिया, तो ये हमको अच्छे से प्रिपेयर करना ही है। सिम्टोमेटोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई छोड़ना नहीं है, सिम्टोमेटोलॉजी में से क्वेश्चन बनता है, हर साल कुछ ना कुछ आता ही है, इसलिए इसको हमको छोड़ना नहीं है। नाउ डिस्पोजिशन, एक और बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन, अक्सर इसमें से क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसलिए इसको हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है। होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट, इसमें से निश्चित आता है, एंटीपैथी, आइसोपैथी, टोटोपैथी अक्सर पूछे जाते हैं, जिनको हमको छोड़ना नहीं है कोई भी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर ए टाइम टेबल, तो एक टाइम टेबल आपको बनाना है कम से कम 7-8 घंटे का, जिसमें से हमको ऑर्गेनॉन को कम से कम 1-2 घंटे देना ही है। ठीक है, तो ऑर्गेनॉन के लिए हमको देखिए, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको रिवाइज़ करनी पड़ती हैं, बार बार चीज़ें हमें अक्सर भूलती हैं ऑर्गेनॉन में, एफ्रोजम भूलती हैं, ईएस भूलते हैं, तो हमको वो बार बार रिवाइज़ करना होता है। हमें एक दिन एक टॉपिक बनाना है कि एक टॉपिक हमको तैयार करना ही है, तो उस टॉपिक को हमें चाहे 1-2 घंटा समय देके हमें वो प्रिपेयर करना ही है। उसके जो हमने नोट्स तैयार कर रहे हैं या जो बनाए हैं उनको हमको एक दो बार पढ़ना ही है, और बेस्ट वे है जो वो है कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, उसमें जो समझ में नहीं आ रहा है उस पॉइंट को आप लिख लो, हमसे पूछ लो, बुक से देख लो, जहाँ से भी हो उसका आंसर आपको आना ही चाहिए, कहीं ना कहीं से वो क्लियर होना ही चाहिए, कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनॉन में। नेक्स्ट पॉइंट है मेक नोट एंड हाईलाइट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक हैबिट बनानी है कि हमको रोज़ एक टॉपिक पढ़ना ही है, उस टॉपिक में से जो इम्पॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लेना है, जो हम नोट्स दे रहे हैं आपको पीडीएफ में उसमें भी जो आपको लगता है उसको हाईलाइट कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर रिवीजन, आपको रेगुलर रिवीजन करते रहना है, बीच बीच में अपने सभी सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना है और ऑर्गेनॉन को साथ में रिवाइज़ करते रहना है, है ना। और रिवीजन करने का जो है वो सबसे अच्छा तरीका है, रोज़ 1 घंटा आपको कम से कम रिवीजन के लिए देना है। 1 घंटे में आप अपने टॉपिक डिवाइड कर लो कि कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, इसका जो रिवीजन करना है वो करना है, और बेस्ट है कि आप अच्छे से उसके पॉइंट बना बना के अच्छे से पढ़ो, यही उसका बेस्ट तरीका है। और एक तरीका है आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाएंगे, जितने भी एमसीक्यू सॉल्व करते जाएंगे, उतने ज़्यादा आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, और जितने भी नए क्वेश्चन मिलेंगे उनको आप जब रिवाइज़ करेंगे
उनको जब सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करना है, फिर उसका समझने के लिए कि वो जो मैंने किया है सॉल्व सही है या नहीं, जो आंसर की दी गई है उसको हमें कंफर्म करना है फ्रॉम बुक से, ठीक है ना। तो उससे आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होते जाएंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट रेफरेंस बुक्स। तो हमने जो भी रेफरेंस बुक्स हैं, ठीक है ना, तो वो ऐसा है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं सिक्स एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन। सिक्स एडिशन में कौन सी एफ्रोजन दी गई है, फिफ्थ में कौन सी दी गई है, ठीक है ना। तो सिक्स एडिशन से सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। फिर है हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनॉन, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनॉन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए आपको हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनॉन बहुत अच्छे से मतलब रट्टा मारना है एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोनिक डिसीज़, इसमें से भी काफ़ी कुछ पूछा जाता है। कैंट्स फिलॉसफी, इसमें कैंट 12 ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है इनको पढ़ना, ये आपको प्रिपेयर करना ही है। रॉबर्ट की फिलॉसफी, एच ए रॉबर्ट ने क्या कहा, स्टार्ट क्लोज ने क्या कहा, स्टार्ट क्लोज ने कौन कौन से टॉपिक पे क्या क्या बोला है, क्या रॉबर्ट्स ने बोला है। रॉबर्ट्स और स्टार्ट क्लोज में से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, तो हमको ये रेफरेंस बुक्स जो है एनी हाउ प्रिपेयर करना ही है, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूजफुल बुक्स फॉर प्रिपरेशन फॉर AIA PGET। तो बेस्ट बुक जो हम आपको बता रहे हैं वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, आपको खाली उनको खरीदना है, ठीक है। जिनके पास नहीं है, वैसे तो सबके पास होंगी, नहीं है तो आप खरीद लीजिए, अच्छी बुक्स हैं, पढ़ने में बड़ी आसानी है, इनसे आप क्वेश्चन लेकर और सॉल्व कर सकते हैं, बार बार सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। सबसे बेस्ट बुक है VK चौहान, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे MCQs इन्होंने इसमें दिए हैं, 3 volumes में है ये, तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में आपको MCQs मिल जाते हैं। काइजन बहुत अच्छी बुक है, सक्सेस बहुत अच्छी बुक है, इसमें पॉइंट भी बहुत अच्छे अच्छे दिए गए हैं, इसके रिविजन पॉइंट भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इनमें से सभी ले सकते हैं। और हमारे ग्रुप में जो MCQs के लिए अलग से डाउट के लिए अलग से ग्रुप बनाया है, उसमें आप कभी भी हमें MCQs डालें, क्वेश्चन डालें, उसका हम जैसे भी होगा जल्दी से जल्दी आंसर देंगे, ठीक है। और मोस्ट एक्यूरेट आंसर देने की कोशिश करेंगे हम लोग, कोई भी डाउट है ज़रूर आप लोग पूछें, बिना पूछे वो डाउट क्लियर नहीं होगा, तो ज़रूर आपको पूछना है उस डाउट के बारे में, हम बेस्ट सोर्सेस से आपको इसकी जानकारी देंगे। तो वी होप आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, हमारा ये पहला वीडियो है, इसमें बहुत सी मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसके लिए थोड़ी सा प्रिपरेशन हमें भी करनी पड़ेगी, तो वी होप यू कुड अंडरस्टूड व्हाट टॉपिक्स वी हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑर्गेनॉन, है ना। और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, उसके बारे में भी हम लोग आप बीच बीच में डिस्कस करते जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।